तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मतलब अगर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है तो हम लोग कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट मैं बोलूँ, राइट, या फिर मैं बोलूं कि एक्सेस ऑफ रिएजेंट। अब सबसे पहली बात तो ये चीजें हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हमको सपोज करो मोर देन वन रिएक्टेंट दिया हुआ है, मोर देन वन रिएक्टेंट, ठीक है, और हमको किसी मतलब जो जो भी रिएक्टेंट दिए हुए हैं उसमें किसी भी दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमको दी गई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ टू रिएक्टेंट आर गिवन, तो इस केसेस में हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों गया है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, मैं बोलता हूँ ए प्लस बी गिवन है जो हमको सी प्लस डी का प्रोडक्ट बना के दे रही है। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि सपोज करो कि ए और बी है हमारे पास, राइट, ए का अमाउंट अगर मैं बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ और बी का अमाउंट बहुत कम ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमको पता है अगर बी का अमाउंट सिर्फ इतना है तो ये बी क्या करेगा, इसमें से कुछ पार्ट ही यूज़ करेगा ए का, राइट, तो ए का कुछ पार्ट यूज़ करके ये सी बनाएगा और डी बनाएगा, बट ये जो रिएजेंट बच जा रहा है, ठीक है, इसी रिएजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट, राइट। इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर हमको स्पेसिफिकली नहीं पता है कि किस सब्सटेंस का कितना अमाउंट किससे रिएक्ट करेगा, तो हमारा जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट होगा या तो वो उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा या तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, राइट है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, अब कहीं पे अमाउंट अगर एक्सेस में हो जाता है तो वो रिएजेंट या तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल देखो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये तो बनता बाद में, पहले तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, अगर इनका ही अमाउंट इक्वल अमाउंट में नहीं होगा या हमको नहीं पता होगा कि कितना अमाउंट किससे रिएक्शन करेगा, तो मैं सीधी सी बात है या तो इसको एक्सेस में ले लूँगा या तो इसको एक्सेस में ले लूँगा, और यही रिजल्ट होता है एक्सेस रिएजेंट सॉल्यूशन में बच जाने का या वेस्ट हो जाने का। तो बेसिकली केमिकल लैब्स वगैरह में होता है, जिनको नॉलेज वगैरह नहीं होती है तो लोग ऐसा करते हैं, जो रिएजेंट महंगे होते हैं उनको कम यूज़ किया जाता है और जो रिएजेंट सस्ते होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से होता ये है कि मतलब जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट भी हमको एक्यूरेट नहीं मिलता है। मोल कॉन्सेप्ट में इसका क्या यूज़ है कि इन लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का यूज़ करके हम लोग प्रोडक्ट के मोल्स, अमाउंट, वॉल्यूम वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमको यहाँ पे रिएक्टेंट वगैरह दिए होते हैं, ठीक है, उसमें हमको सबसे पहले तो वेरीफाई करना होता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है, राइट है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जितने भी हमको मोल्स दिए गए हैं अपॉन हम लोग उसके क्या कर दें, स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ले लें। ठीक है, अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सपोज करो अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास कोई 2A+5B या हमको C+D प्रोडक्ट बना के दे रहा है, अगर हमको पूछा जाए कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो यहाँ तो हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमको इनको देखना है, तो अगर मान लो इनका मोल्स अपने को गिवन है, ठीक है, मोल्स मैं बोलता हूँ इसका मेरे पास 5 मोल है और इसका 10 मोल है, मैं बोलूँ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो हम लोग सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
तो इसका मोल, ए का मोल कितना है 5 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, राइट। इसका मोल कितना है 10, इसका कोएफिशिएंट कितना है 5। इनको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2.5, राइट है। तो अब देखो सबसे कम कौन है, ये 2.5 आ रहा है और ये हमारा 2 आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रेजेंट, और ये जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास क्या हो जाएगी एक्सेस ऑफ रेज, राइट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सब लोग मोल्स को देख के प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो इसके मोल्स ज़्यादा हैं बट ये क्या हो रहा है लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं सी और डी, राइट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सिंपल सा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, राइट। तो ये कुछ पार्ट इसका यूज करेगा और प्रोडक्ट बना देगा और इसका कुछ पार्ट सॉल्यूशन में एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यही देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालना, बचा हुआ एक्सेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो रिएजेंट बच जाएगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। अब देखो कहीं कहीं रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अगर सपोज करो ए प्लस बी 5b दे दिए, यहाँ पे हमको 4c दे दे रहा है और 4d दे दे रहा है, राइट। तो कई बार वो लोग क्या करते हैं, हमको मास दे देते हैं, ठीक है। अब तुमको कुछ मास दिया होगा एक्स वाई, ठीक है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसका एक्स मास अपॉन इसका मोलार मास, राइट, फिर इसका वाई और इसका मोलार मास। फिर इसके बाद हम लोग जब लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वेरीफाई करते हैं तब हमको क्या करना होता है, इसका जो भी मोल्स आया होगा वो ऊपर लिख देंगे और इसका कोएफिशिएंट 1, ठीक है। फिर इसका जो भी आया होगा हमारे पास मोल्स वो ऊपर लिखेंगे और नीचे इसके कोएफिशिएंट 5, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो कम ज़्यादा आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। अब देखो होता ये है कि अगर हमको एक बार ये चीज़ें मिल जाएं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट मिल जाए, तो हम लोग बाकी चीज़ों को भी मोल्स या मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, ठीक है, मुझे दे रहा है कि ए प्लस टू बी चेंजेस टू सी, राइट है। अब देखो इसी इसमें मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो अपने को मोल्स दे रहा है, इसने हमें बोला मोल्स इसका 5 है और इसका मोल्स हमको दे रहा है 8, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट हम लोग वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसके मोल्स बाय इसका कोएफिशिएंट 1 अपॉन इसका मोल्स अपॉन इसके कोएफिशिएंट 2। तो ये डिवाइड होकर कितना आ गया, 5 आ गया, और ये डिवाइड होकर आ गया 4, ठीक है। तो एक 5 आया एक 4 आया, मतलब हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और एक्सेस रिएजेंट हमारा क्या हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर से वो तुमको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सी के कितने मोल्स बने होंगे। तो सी के मोल्स निकालने के लिए देखो दो अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के बेस पे तो सी बना होगा, राइट है। तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ बी अपॉन इसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन इसका कोएफिशिएंट 1। तो हमको बी के मोल्स पता थे कितने थे, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी बाई 1। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सी हमको कितने मिल जाएंगे, 4, मतलब सी का कितना मोल्स बना है, 4। एक और मेथड है सी का मोल्स निकालने का, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसका कोएफिशिएंट ऊपर लिखें, अगर मोल्स ऑफ सी तुमको डायरेक्ट निकालना है तो सी का कोएफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन हम लोग क्या करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कोएफिशिएंट कितना है, 2, इनटू क्या कर देंगे लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स, यहाँ से भी हमको कितना मोल मिल जाएगा, 4 मोल्स। क्या किया मैंने स्टार्टिंग में, जिसका तुमको मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर,
फिर नीचे किसका कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट का कोएफिशिएंट 2 और इनटू लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स लिख देंगे। तो या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हो गई मोल्स की बात। अब यहाँ पे तुमने मोल्स निकाल दिया तो वो तुमको मास भी पूछ सकता है। तो मास अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्स इंटू मोलार मास, या अगर वॉल्यूम वगैरह पूछता है तो क्या कर देंगे, मोल्स इंटू मोलार वॉल्यूम, दैट इज 22.4। ठीक है, अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता है कि रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट, राइट, ये जो रिएजेंट था ये एक्सेस में था, ठीक है, इसने कुछ अमाउंट इसका यूज किया फिर भी ये सोल्यूशन में बचा हुआ है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि रिमेनिंग एक्सेस में कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग एक्सेस में निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले तो देखो जो एक्सेस रिएजेंट है उसका टोटल मोल्स कितना है, राइट, उसका कितना मोल्स है, 5। तो यहां पे लिख देंगे 5 माइनस, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट का कोएफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोएफिशिएंट 2, फिर इसका मोल्स 8। क्लियर है, कितना हो जाएगा 4, तो मतलब 5 माइनस 4 इसका कितना मोल बचा होगा, 1 मोल बचा होगा। ठीक है, कैसे निकाला मैंने रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस का मोल 5 माइनस एक्सेस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट 2 इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको यहाँ से कैलकुलेट करके रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मोल्स वगैरह के इसी को मैं फॉर्मेट में लिखूं, अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमको निकालना है तो हम लोग क्या लिख रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट जिसका हम निकाल रहे हैं अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू मोल्स ऑफ, क्या मैंने बोला, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो हो गया मोल्स निकालने का फॉर्मेट प्रोडक्ट का। ठीक है, और अगर मुझे रिमेनिंग निकालना है, रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट निकालना है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसका, एक्सेस रिएजेंट का कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, फिर इनटू क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है दोनों का निकालने का, मोल्स निकालने का और रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये है 2H2+O2, ये चेंज हो रहा है 2H2O में, क्लियर है। मान लो इसका वो मेरे को बोल दे रहा है कि 10 ग्राम है और इसका उसने दिया है 96 ग्राम है। ठीक है, ये वो हमको क्या दे रहा है, मास दे रहा है, राइट। उसका क्वेश्चन क्या है कि मुझे इसका मोल्स बताओ, ठीक है, और उसने पूछा है एक्सेस रिमेनिंग बताओ, मतलब एक्सेस वाला कितना बच गया है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो इस क्वेश्चन में देखो हमको सिंपल सा करना क्या है, हमको सारी चीजें पता है, ठीक है, मास से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे, ये हो गया मास अपॉन मोलार मास हाइड्रोजन का 2, ठीक है, मतलब इसके मोल्स आ गए 5 और ये कितना है 96 अपॉन ये हो जाएगा 32, मतलब इसके मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को वेरीफाई करूँगा, कैसे मैंने बोला था, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट 2 और इसके मोल्स अपॉन इसका कोएफिशिएंट 1, तो ये हमारे पास आ गया 2.5
और ये हमारे पास आ गया 3। तो 3 ज़्यादा है और 2.5 कम है, तो ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया हमारे पास एक्सेस ऑफ रिएजेंट। ठीक है, एक बार हमको लिमिटिंग और एक्सेस मिल गया तो हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, इसका मोल्स निकाल सकते हैं। मैंने बोला था प्रोडक्ट का मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 2 अपॉन लिमिटिंग का कोएफिशिएंट कितना है 2 इंटू लिमिटिंग के मोल्स कितने आए थे 5, तो इसका भी कितना मिल जाएगा हमको 5 मोल मिल जाएगा। राइट, एक्सेस रिमेनिंग का मैंने क्या बोला था, कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ एक्सेस। राइट है, सबसे पहले मोल्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस के मोल कितने 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग कितना है 2 इंटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग 5, तो ये कितना आ गया 2.5। तो 3 माइनस 2.5 हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 मोल। अब ये इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता था कि मेरे को प्रोडक्ट का वॉल्यूम बता दो, तो अगर वॉल्यूम बोल देता तो हम लोग क्या कर देते 5 इंटू 22.4, यहाँ से हमको वॉल्यूम मिल जाती। या फिर वो बोल देता कि एक्सेस का मास बताओ, ये तो हमने मोल्स निकाला है, तो एक्सेस का मास कैसे निकालोगे, मोल्स पता है 0.5 इंटू मोलार मास, एक्सेस कौन है O2, O2 का मोलार मास कितना हो जाएगा 32, तो ये जाएगा हमारे पास 16 ग्राम। ठीक है, तो ये मेथड होता है एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का। हम लोग ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे इसको मोल्स निकालने के लिए, जैसे 2H2 है प्लस O2 है और 2H2O ये निकाल रहा है। ठीक है, इसका हमने मोल्स कितना निकाला था, इसका मोल हमारे पास आया था 5 और इसका मोल हमारे पास आया था 3। ठीक है, तो हम लोग मोल्स नॉर्मली ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे देखो ये हमारे पास क्या आ गया था, लिमिटिंग रिएजेंट था और ये हमारे पास क्या था, एक्सेस ऑफ रिएजेंट था। तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग। तो मैंने एक मेथड और बताया था, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मतलब H2 अपॉन इसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O अपॉन इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब ये क्या, इसके मोल तो हमको पता थे कितने 5/2 और इसका मोल्स हमको अगर निकालना है तो H2O/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट यहाँ से हमको ये 5 मोल्स मिल जाता है। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या जैसे मैंने दूसरा मेथड बताया वैसे भी इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल डिटेल थी तुम्हारी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की। आगे वाले एग्जांपल में अपन बाकी सब देखते हैं, कुछ एग्जांपल और दिए हुए मैंने, तो वहाँ पर देखते हैं। चलो देखो, नहीं रे खाली सीएल का वॉल्यूम बताना अपने को। इसका मोल्स कितना आया तुम्हारे पास 0.2, इसका भी मोल्स आया होगा 0.2, बट जब लिमिटिंग और एक्सेस कंपेयर करोगे तो ये 0.2/1 और ये 0.2/14 ना, तो ये आ गया 0.04, तो ये हो गया तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब मेरे को कंपेयर इसी से इसको करना है। ठीक है, तो इसका मोल अपॉन इसका ये 14 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कितना, मोल्स ऑफ Cl2 का अपॉन इसका कोएफिशिएंट 3, तो ये कितना आ जाएगा 0.6/14, तो Cl2 का मोल कितना आएगा निकालो, 0.6 ना आ रहा है, ना इसका आंसर आ रहा है ना 0.04 मोल्स ऑफ NCl2। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, 0.04 में किसका मल्टीप्लाई 22.4 का, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा, कितना आ जाएगा 0.95 आ रहा है ना,
ये राइट आंसर है, समझा? दे रहा है 3 Mg प्लस N2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बनाते हैं Mg3N2, ठीक है। मास दे रहा है 72 ग्राम और इसका दे रहा है 56 ग्राम। इसका मोल्स पूछ रहा है और रिमेनिंग एक्सेस। चलो फटाफट, इसका भी 1 मोल आएगा और रिमेनिंग एक्सेस कितना, ये भी 1 मोल। पक्का? क्या हुआ होगा यहाँ पे 72/24, तो इसके आगे 3 मोल, ये 56/28, इसके आगे 2 मोल। लिमिटिंग एक्सेस कंपेयर करोगे तो ये 3/3 एक आ गया, फिर 2/1 टू आ गया, मतलब ये क्या है, लिमिटिंग है और ये क्या है, एक्सेस है ना, ना? तो इसका कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो, इसको क्या मिल गया, इसका मोल 3, ये भी 3 इज इक्वल टू इसके मोल अपॉन 1, तो इसका भी एक ही मोल आएगा। एक्सेस के निकालने के लिए क्या बोला था, रिमेनिंग एक्सेस कैसे निकाल रहे थे, इसका मोल नहीं, इसका मोल था ना पहले 2 माइनस, फिर इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल, ऐसे ही था ना, एक्सेस का मोल फिर माइनस एक्सेस का मोल माइनस क्या था, इसका कोएफिशिएंट था ना 1, फिर इसका कोएफिशिएंट 3, फिर लिमिटिंग का ही, लिमिटिंग का मोल्स 2 - 1, 1 मोल, दोनों 1-1 आएगा। तो इसने क्या बोला, 5 मोल ऑफ SO2NO2, मतलब इसका भी 5 मोल है और इसका भी 5 मोल है, ठीक है। रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म SO3, डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट, वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है अपने पास। पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो, फिर एक्सेस का कितना बचा और फाइनली प्रोडक्ट का वेट क्या होगा, ठीक है। हमको क्या बोला है कि SO2 और O2 आपस में रिएक्ट करके SO3 बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन देखो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तुमको इसको पहले बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, कैसे बैलेंस करोगे, SO2 प्लस O2 चेंज कर दो 2SO3 में, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब इसके आगे से अपना काम प्रोसीड करो। SO3 का जो वेट है वो आएगा 400 ना, रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट कितना आया और ऑक्सीजन एक्सेस है ना, तो अपने पास फाइनली मिला क्या था, देखना क्या थी फाइनल इक्वेशन, 2SO2 प्लस O2 किस में चेंज हो रहा था, 2SO3 में ना, तो इसके कितने 5 मोल थे, इसके भी 5 मोल थे,
तो लिमिटिंग एक्सेस तो निकाल लिए रहोगे, ये 5/2 हो गया रहेगा, ये 5/1 हो गया, ठीक। इसका कितना मोल आया? 5। इसका भी 5 मोल आया। तो एक्सेस जो रिमेनिंग रहता है अपन कैसे निकाल रहे थे? ये लिमिटिंग है और ये एक्सेस है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेस का मोल लिख रहे थे, माइनस एक्सेस का कोएफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग का कोएफिशिएंट, फिर इनटू लिमिटिंग का मोल्स, ठीक है। 5 - 2.5 ऐसे तो आ रहा था, और क्या। वो क्या बोल रहा है कि जिंक और आयोडीन किस फॉर्मेट में रिएक्शन करेंगे? आयोडीन I2 में एग्जिस्ट करता है, मतलब फाइनली बनेगा क्या? Zn I2। ये बैलेंस इक्वेशन है, इसका वेट दिया है और इसका वेट दिया है, और बोला है कि दोनों का जो मैं वेट ले रहा हूँ वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसका मोल्स निकालूँ तो जिंक का मोलार मास कितना हो जाता है? 65। और I2 का तुम मोलार मास निकालोगे तो 254। सेम वेट को मैं 65 से डिवाइड करूं और सेम वेट से 254 का डिवीजन कर रहा हूं, तो लिमिटिंग कौन हुआ, एक्सेस कौन हुआ? ये हो गया मेरा, यहीं से मालूम पड़ गया ना, ये लिमिटिंग हो गया और ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो उसने क्या बोला था? कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। बचा कितना होगा सॉल्यूशन में? अगर मैं एक्सेस में से लिमिटिंग को माइनस कर दूं तो इतना बचा होगा, राइट है? बट वो बोल रहा है कि मेरे को फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ठीक है। इतना तो बचा होगा सॉल्यूशन में, मतलब इसका जो भी आंसर होगा W/65 - W/254, और इसका फ्रैक्शन इसको किसके हिसाब से चाहिए? एक्सेस रिएजेंट से। एक्सेस रिएजेंट क्या है? W/65। तो उसको एक्चुअली ये चाहिए था, फ्रैक्शन मतलब जितना बच गया है और जितना मैंने स्टार्टिंग में लिया था उनका फ्रैक्शन चाहिए था इसको। तो अब तुम इसको निकालोगे तो W W सब कट जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ से तुमको कुछ मिलेगा इसका, ये क्या हो जाएगा? निकाल सकते हो इसको? नहीं, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके।